ठीक है। अरे गौतम जी सुनो, जा बताइए, हमें जो पेज दिए थे है ना, 25 से स्टार्ट, हाँ कोविड से स्टार्ट है, कोविड 19 तक थे, यहाँ पढ़ना है। अब सीधा पढ़ जाइए, चलिए बताइए, बताइएगा कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से हुआ था? चीन के वुहान से हुआ था है ना, इसलिए कोरोना का फादर किसे कहते हैं? चीन वुहान, सही बात, कहीं मानता नहीं है। चलिए आगे बताइए, कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बना था? कौन बना था? इजराइल है ना, लेकिन फिर बाद में फिर मास्क लागू कर दिया है ना। फर्स्ट वेव में तो सबको बोला कि हम पूरा ये हैं, पूरा वैक्सीनेट सबको कर दिया था, इस वजह से बोला कि हम पूरे मास्क से क्या है, मुक्त है, फ्री है। तो फिर क्या वो जब दूसरा लहर आया ना, तो फिर मास्क सब लगाने लगा। चलिए आगे बताइएगा, देखिए हम इसमें से वही क्वेश्चन लगभग पूछेंगे ना, जो लगेगा कि नया है ना, बताइएगा, मतलब लगेगा कि आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन मैंने बता ही होगा, बताइए मतलब। चलिए आगे बताइएगा, ये पीबीआई, यस हम टिक लगा कर ही आते हैं, कौन पूछना, ये बताना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाने का अपील कब की? 22 मार्च, ये डेट बहुत पूछ चुका है, आगे पूछ चुका है, यानी 22 मार्च 2020 से ये कर्फ्यू जो लगाने का है, 22 मार्च को पूरा डेट याद है, शाम को ही लगता है, 22 मार्च 2020 को कर्फ्यू लगाने का दिया था। चलिए आगे बताइएगा कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था? भारत में बना था, कौन बना था? हरियाणा बना था, बढ़िया। और कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य ठीक है, पंजाब होगा, कौन होगा? पंजाब होगा, सही बताया। हाँ ये बताइएगा कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन? ये राजस्थान, कौन है? ये राजस्थान है, ठीक है। और कोविड 19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और कोविड 19 हेतु संयुक्त टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन था? क्यूबा था, कौन था? क्यूबा था, सही है, क्यूबा था। और इवेंट की कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन था? ये घाना देश था, ठीक है। और 100% यानी 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला गांव कौन बना था? जम्मू कश्मीर का है, हाँ जम्मू कश्मीर का गांव है बयान, क्या है? बयान गांव है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना था? भुवनेश्वर, ये शहर बना था आपके भुवनेश्वर, गांव बना था बयान, ठीक है, ध्यान देना है आगे कि 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन था? केंद्र शासित प्रदेश कौन था? ठीक है, अंडमान निकोबार, कौन था? अंडमान निकोबार। और 100% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन? हिमाचल प्रदेश, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, बढ़िया। और कोविड 19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? स्लोवेनिया, ठीक है, ये स्लोवेनिया बना था, कौन? स्लोवेनिया बना था, स्लोवेनिया भी बोलते हैं, ठीक है। और कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश कौन था? रूस था, ठीक है ना, रूस था। और जीवन वायु उपकरण को विकसित किया था कौन, बताइए? ये किया था कौन किया था? आईआईटी भोपाल ने, कौन? आईआईटी भोपाल ने ये विकसित किया था, ठीक है आगे। जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश कौन था? ये था, कौन? रूस था। और पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी कहाँ से? कहा विशाखापट्टनम से, ठीक है, विशाखापट्टनम से नागपुर, ठीक है। और दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई थी बोकारो से लखनऊ, ठीक है। और भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब से हुआ? 16 जनवरी 2021, बहुत बढ़िया, 16 जनवरी 2021 से। और टीका उत्सव मनाया गया था कब? टीका उत्सव मनाया गया था 11 से 14 अप्रैल 2021। और इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है, बताइए? ये था स्वस्थ, प्राण और वायु, ये वेंटिलेटर का नाम दिया था कौन? इसरो ने नाम दिया, ठीक है ना। कुछ बताइएगा कोविड 19 के दौरान जारी किए गए मोबाइल ऐप है ना, चलिए बताना है कि कोरोना
कवच एयरफोन जारी किया था, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया था, सही है ना। और नाड़ी नाड़ी एयरफोन जारी किया था, इंग्लिश में नाड़ी कौन क्या था, पुडुचेरी, बहुत नहीं पुडुचेरी सरकार ने जारी किया था। और प्रज्ञान एयरफोन जारी किया, प्रज्ञान झारखंड सरकार ने जारी किया था, ठीक है। और आई कोर्ट स्लैश युक्ति पोर्टल कौन जारी किया था, युक्ति पोर्टल, ये बहुत सा पूछा बताइए, ये मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने जारी किया था। अब कोविन पोर्टल, कोविन पोर्टल का नाम आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, कोविन पोर्टल कौन लॉन्च किया था, कोविन पोर्टल वही लॉन्च किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया है ना, कोविड का टीका लेने से पहले हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर। संजीवनी ऐप कौन जारी किया, ये बिहार सरकार ने किया था। और प्रवासी रोजगार ऐप कौन किया था, सोनू साहब ने किए थे। और आयुष कवच ऐप कौन जारी किए थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, आयुष कवच उत्तर प्रदेश, संजीवनी ऐप बिहार सरकार, ठीक। और जन आपूर्ति ऐप कौन जारी किए थे, तो उत्तराखंड सरकार, कौन, उत्तराखंड सरकार ने जारी किया था। चलिए आगे बताना है आप कुछ आपको, वर्ष 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशन को नाम बताना है ना, कि किस लिए ऑपरेशन का नाम दिया गया है। देखिए ऑपरेशन गंगा बताइए, ठीक है, ये आपके अभी हुआ है ना यूपीएससी का एग्जाम, आज देख रहे थे यूपीएससी एग्जाम में पूछा है डायरेक्ट, है ना, पूछा था ये कि भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाया गया था, ऑपरेशन गंगा। चलिए और ऑपरेशन सतर्क क्या है, ऑपरेशन सतर्क बताइए, हाँ जितना भी रेलवे से रिलेटेड है ना वो ऑपरेशन सब बताएं। तो ऑपरेशन सतर्क होगा कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा कि आप आते होंगे ट्रेन से, तो देखिएगा ऐसे ऐसे ठोक ठोक चेक करता है सब, देखा तो मेरा जगह चेक करा था, हमें कितने क्या है, बोला कुछ नहीं है मेरा डिग्री है, ऐसे बोला आपने, ठीक। आगे बताना है कि ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन आहट ये भी है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए। देखिएगा कि ट्रेन में से छोटे छोटे बच्चों को चुरा लेता है सर, उसके बाद आँख फोड़ देगा, पैर काट देगा, मतलब ये करके बैठा देगा कहीं पर भी घुमा, है ना, तो वो ये तस्करी रोकने के लिए ऐसा किया गया है। और महिलाओं को समझ रहे ना पकड़ के एफ आई पी दर्ज कर दे। आगे बताना है कि ऑपरेशन वंदे भारत ये चलाया गया था किसके लिए, तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कराया गया था, कौन सा ऑपरेशन बताइए, ऑपरेशन वंदे भारत, ठीक है। ऑपरेशन बंदर क्या, ऑपरेशन बंदर सही है, तो बालाकोट स्ट्राइक कोड है ना, ये स्ट्राइक जो लाना है उसका कोड था, कौन, ऑपरेशन बंदर, ठीक है। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को क्यू उपलब्ध कराने हेतु, है ना, क्यू क्यू ऐसे टिकट ही होना चाहिए, टिकट उपलब्ध कराना है, हाँ टिकट ही होगा। अच्छा ये बताना है कि ऑपरेशन परिवर्तन किस लिए, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती तथा आपूर्ति को समाप्त करने हेतु भांग की खेती, है ना, भांग उसको खत्म करने के लिए क्या किया गया है, चलाया गया है पीते हैं और गांजा को देखा है गांव देहात में जितने भी लड़के हैं सब देखे हैं, हम भी देखे हैं, बस गांजा पीते हुए देखे हैं, बस भांग पीते हुए देखे हैं, नवीन मत घूमा होगा नहीं है। ऑपरेशन ट्रस्ट बताइए, ऑपरेशन पानी सही है, पानी से रिलेटेड है, तो रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने है। तो देखिए रेल रिंग नीर दिया जा रहा है, एक पैकेट बना है बोतल पे, वो 15 रुपये मिलता है, अब बाकी जो बोतल में कोई फिक्स नहीं होता, चिपका देता है, सब दे देता है, तो इसी कालाबाजारी को रोकने के लिए लाया गया ऑपरेशन। अच्छा हाँ आप बताइए कि ऑपरेशन समुद्र में क्या था, तो भूकंप और सुनामी से प्रभावित इंडोनेशिया की मदद के लिए ऑपरेशन ये लगाया गया था समुद्र में, ठीक है ना। ऑपरेशन 25 क्या था, ऑपरेशन 25
ये था पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी को पकड़ने हेतु लाया गया था ऑपरेशन कचीज, ठीक है ना। अच्छा ये बताइएगा कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या था। विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान सही है तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था ये? तो ये था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। आगे बताना है ये बताइए कि ऑपरेशन नार्कोस क्या था। ऑपरेशन नार्कोस ये हाल ही में लागू किया गया है। तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए चलाया गया है। कौन सा ये चलाया गया? ऑपरेशन नार्कोस, ठीक है। और ऑपरेशन मिशन अमानत क्या था? मिशन अमानत भारतीय रेल द्वारा यात्रियों को खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु ये जारी किया गया है ना। अच्छा ये बताइएगा कि प्रमुख आतंकी और गैर आतंकी गतिविधियां जो हुआ है उसके बारे में बताना है थोड़ा सा। एक दो पूछेंगे, ज्यादा नहीं। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? 19 में हुआ था, 26 फरवरी 2019 में हुआ था, ठीक है। और गलवान घाटी छप्पर भारत और चीन के बीच कब हुआ था? ये साल ही पूछे जाने से, ये 2020 में हुआ था, कोविड के टाइम में हुआ था, है ना। कोविड में टाइम में 15 से 16 जून के बीच में हुआ था। अब बताइए कि भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट इसके बारे में कुछ बताना है आपको। बताना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो 2021-22 का ये है लेखा जोखा, इसमें बताना है जारी कौन करता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है? ये जारी करता है FSSAI, है ना, ये करता है, ठीक है ना, सहाय चालू करता है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान किसको रखा गया है, किस राज्य को? तमिलनाडु को रखा गया है, ठीक है, बड़े राज्य में है। और छोटे राज्य में पूछेगा तो आपके ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। और अंतिम बड़े और छोटे बताइए, तो बड़े में हो जाएंगे कौन? आंध्र प्रदेश। और छोटे में हो जाएंगे कौन? अरुणाचल प्रदेश। ये सबसे कम है ना, अंतिम स्थान पे पाए जाएंगे। आगे बताना है कि राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में ये जारी कौन करता है? इसको ये जारी करता है नीति आयोग। कौन करता है? नीति आयोग। इसमें बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान किसे मिला है? ये मिला है गुजरात को और केंद्र शासित प्रदेश को मिला है। कौन सा है बताइए? ये है चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। और छोटे राज्य में शीर्ष स्थान किसका है? गोवा का ही हो जाएगा। कौन? गोवा हो जाएगा। और स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 का, जो कि ये 6वां संस्करण है इसका, ये जारी कौन करता है? इसको जारी कौन करता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला? इंदौर को, मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। और दूसरा स्थान सूरत, गुजरात, सूरत, ठीक है। और तीसरा विजयवाड़ा को मिला, ठीक है। राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में ये जारी कौन करता है? ये भी नीति आयोग जारी करता है, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान बड़े राज्यों में कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और छोटे राज्यों में कौन है? तो मिजोरम है। और इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो दिल्ली है। और दूसरे में कौन हो जाएगा? दूसरे में हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर, ठीक है। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ये जारी कौन करता है? तो बेंगलोर स्थित पब्लिक अफेयर्स सेंटर ये जारी करता है, जिसमें बड़े राज्यों में प्रथम कौन है? केरल राज्य है, ठीक है। और छोटे राज्यों में प्रथम कौन है? तो सिक्किम है। और केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? तो पुडुचेरी है। कौन? पुडुचेरी है। और बिहार का स्थान इसमें कितना है? 17वां है। कौन है? 17वां है, ठीक है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में ये जारी कौन करता है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसको जारी किए थे। कौन? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? गुजरात को मिला है। और दूसरा राज्य हरियाणा को मिला है, ठीक है। और बिहार का स्थान इसमें कितना है? इसमें 19वां है। और सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में ये जारी कौन किया है? मतलब जारी कौन करता है? ये नीति आयोग ही जारी करता है। और इसमें प्रथम स्थान कौन किस राज्य को मिला है? तो केरल को मिला है। इसमें भी किसको? केरल को ही मिला है। और दूसरे में कौन है? हिमाचल प्रदेश, संयुक्त रूप से तमिलनाडु भी हो जाएगा, सही है ना, दोनों दूसरे पे। और अंतिम स्थान किसको मिला है? तो बिहार को मिला है ना। और नीचे से दूसरा कौन है? ये झारखंड हो जाएगा। दोनों भाई भाई साथ रहता है। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम कौन था? चंडीगढ़ था। कौन? चंडीगढ़ का, ठीक है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो 2020 में जारी किया गया था, ये जारी कौन किया था? जारी किए थे आवास और शहरी मंत्रालय, मार्च 2021 में जारी हुआ था, लेकिन ये 2020 का रिकॉर्ड बताता है। बताना इसमें प्रथम स्थान कौन था? बड़े और छोटे शहरों में क्रमशः बताना है। ये हो जाएगा बेंगलुरु और शिमला। बेंगलुरु हो जाएगा बड़े में, छोटे में कौन हो जाएगा? शिमला हो जाएगा। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान इसमें कितना है? इसमें है 13वां है। और पटना का स्थान
इसमें है 33वां है। और भारत नवाचार सूचकांक 2021 जो कि नीति आयोग जारी करता है, इसमें राज्य में प्रथम स्थान किसका है, तो कर्नाटक का है, और दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है हरियाणा, ठीक है। और राज्य में अंतिम स्थान किसका है, छत्तीसगढ़ का है, सही है। और केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम कौन है, चंडीगढ़ है, और अंतिम कौन है, लद्दाख है, है ना। ये डेटा सब ध्यान में रखिए। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो मध्य प्रदेश का है, दूसरा उड़ीसा है, और तीसरा हिमाचल प्रदेश है, बिहार का स्थान 22वां है। जारी कौन करता है, इसको जारी करता है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ, ये दो मिलकर जारी करते हैं, ठीक है ना, इसको एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक। आगे अब 2020 का हो गया, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ बताइए। निर्यात तत्परता सूचकांक में ये जारी कौन करता है, ये भी नीति आयोग जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है निर्यात तत्परता में, तो गुजरात को मिला है, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा कर्नाटक है, सही है। और सुशासन सूचकांक में 2021 में ये जारी कौन किए थे, इसकी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने इसको जारी किए थे, ठीक है। और प्रथम राज्य इसमें कौन था, गुजरात ही था, और दूसरा महाराष्ट्र था, और तीसरा इसमें क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, सही है ना। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में जारी कौन किया था, पहले टाइम्स हायर एजुकेशन यानी द ने जारी किया था, और भारत में आईएससी बेंगलुरु, आईआईटी रूप और आईआईटी इंदौर, ठीक है। और विश्व में प्रथम कौन था, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो ब्रिटेन में, सही है। थोड़ा सा ये बता दीजिए, तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस सर्वाधिक तेंदुआ वाला राज्य कौन सा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, उसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, बस इतना। आगे अब बताना है कि विभिन्न रिपोर्ट सूचका है ना, आप इंडेक्स बताना है कि कौन कितने स्थान पे है, तो बताना है जो इम्पोर्टेंस वही पूछेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, इसमें भारत का स्थान कितना है, हेनले में यह 87 है, सही बताया 87 है, ठीक है ना, भारत का स्थान। और इसमें शीर्ष पे कौन है, जापान है, ठीक है ना, 2022 का है, नहीं ये 2022 का है 87वां, और 2021 में ही हो जाएगा 90 था, 90 में 2021 में था, और 2022 में कब हो गया था 87, सही है ना। देखिए इसमें पूछा, जारी करता भी पूछेंगे, जो अब लगभग आया है एग्जाम में, जो पूछा है कि जारी कौन करता है ना, और कुछ तो ये तो मैनली है कि भारत का स्थान पूछना ही पूछना है, कुछ ना कुछ आपको शीर्ष स्थान भी देखना है किसका, सही ना। बताना है ग्लोबल जेंडर गैप, पहले ये जारी कौन करता है, पूछा बताइए, ग्लोबल जेंडर गैप जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, आइसलैंड है, और भारत का स्थान इसमें कितना है 2022 में, तो 22 135 है, और 2021 में कितना है, 2021 में था 140, 2022 में 135 और 2021 में 140, ठीक है। आगे वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में बताना है प्रथम स्थान किसका है, इसमें भी आइसलैंड है, और भारत का स्थान कितना है, 135वां, 2022 में 135वां है, और 2021 में कितना था, उतना ही था, कितना था 135, सही है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है 2022 में, 37, 2021 में कितना था, 43 था, मतलब 43 था, ठीक है। और इसमें प्रथम स्थान कौन है, डेनमार्क है, इसको जारी कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच करता है, हम तो इसका पूछ रहे थे प्रतिस्पर्धा का ना, तो देखिए विश्व आर्थिक मंच जारी नहीं करता है, ये दूसरा करता है, दूसरा कौन है, तो प्रबंधन विकास संस्था IMD करता है, सही है, बाकी सब ठीक है। आगे बता विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है, 150 है, 150 है, 2021 में कितना था, 142 था, ठीक है ना। इसमें प्रथम स्थान कौन है, इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे है, ठीक है ना। अच्छा बहुत बार पूछा है, फिर पूछने की संभावना है, जारी कौन करता है, नहीं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस के द्वारा दिया जाता है ना, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा दिया जाता है, फ्रांस का, फ्रांस देश के द्वारा, है ना। आगे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भारत का स्थान है कितना, 136, और 2021 में कितना था, 139, कितना था, 139। ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है, ठीक है ना।
इसमें प्रथम स्थान किसको मिला है? तो फिनलैंड को मिला। किसको? फिनलैंड को मिला है। पाकिस्तान सर इसमें आ गए हैं, हां अपने से पाकिस्तान आ गए हैं, इंडिया से आ गए हैं, चौथा स्थान निकाला उस को जब ज्यादा कम लगा इस तरह से जैसे क्या हुआ कि इसके पीछे लॉजिक था, इससे क्या होता है ना कि वहां पर जो इक्वालिटी ज्यादा है, जैसे कोई गरीब है ना तो गरीबे है सब। अच्छा, तो जब गरीब गरीब रहेगा ना तो खुशी रहेगा, तब दुखी हो जाएंगे, तो इस तरह से लॉजिक हुआ। ये लॉजिक सही है क्या? उसके पहले कुछ बता रहे वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2001 इसमें बाती है, इसमें भारत का स्थान कितना था? 46वां था। 2020 में कितना था? ये 2020 में था कितना जी? ये था 53 था। और प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, ठीक है। और एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना है? इसमें है एशिया पावर इंडेक्स में 4 है, प्रथम अमेरिका है। और विश्व जोखिम रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? सर क्या बोला, अमेरिका प्रथम में। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में पूछा है ना, सही तो है। अमेरिका प्रथम पे है, भारत में चौथा है। एशिया नाम दिया है, एशिया देश। ये अब ये देश घूम गए उधर, ये नाम है, ये नाम है क्या? एशिया पावर इंडेक्स। अब किसी का नाम अगर हैदराबाद हो जाए तो क्या हैदराबाद क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 10वां है, 10वां है। 2021 में कितना था? 21 में था 10, ठीक है 10, इसमें भी 10। प्रथम स्थान कौन? डेनमार्क। जारे कौन करता है? जर्मन वाच। कौन करता है? जर्मन वाच, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में, नवाचार में भारत का स्थान 46वां है, ठीक है ना, 46वां है। 2020 में कितना है? 48वां था। और प्रथम स्थान में कौन है? स्विट्जरलैंड है। जारी कौन करता है? तो बौद्धिक संपदा संगठन, सही है ना। आगे मानव विकास सूचकांक 2020 है ना, 2020 21 का नहीं आया, 20 का बताइए। ये जारी कौन करता है? पहले करता है UNDP। कौन करता है? UNDP, यानी UNDP का मतलब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। भारत का स्थान 131 है। 19 में कितना था भारत का स्थान? 2019 में 129 था। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना है? 121वां है, ठीक है। एशिया में यह 26वां था, एशिया में 26वां था। और ऐसे 121वां था, ठीक है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर था, ठीक है। टोटल में से 184 भाग लिए थे, ठीक है। बताना है ये बता कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2022 में जारी किया गया था, ठीक है ना। इसमें भारत का स्थान 180। 2021 में कितना था? 168 था। प्रथम स्थान पर डेनमार्क है, ठीक है ना। ये भी जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है। चलिए यह बताना है आगे कि आर्थिक समीक्षा, आर्थिक समीक्षा को देखना है। आर्थिक जो विवरण है उसके बारे में देखिएगा, जाना नहीं इसमें बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के प्रमुख आर्थिक सलाहकार किसके नेतृत्व में तैयार किया गया? ये था संजीव सन्याल के नेतृत्व में एक टीम तैयार किया गया था, जिसमें वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? जिसने ही जारी किया था, उनका नाम है अनंत नागेश्वर था, उसने ही क्या किया, जारी किए थे। आगे कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने परसेंट बढ़ने का अनुमान है? 22-23 आठ से 8.5% बढ़ने की क्या है अनुमान लगाया गया है? और 2021-22 में ये अनुमान कितना लगाने का लगाया गया था? 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था, सही है ना। और कृषि और संबंध क्षेत्रों में कितनी प्रतिशत बढ़ने की संभावना है ना? तो ये है 3.9% बढ़ने की संभावना है, ठीक है ना। ये सब डेटा कितनी वृद्धि हुई, अब राजस्व पूछेगा, आपके कृषि के क्षेत्र में पूछेगा, है ना। आप इतना नहीं पता, बीपीएससी कृषि के लिए हो गया, ठीक है ना। तो अभी जो पढ़ दिए उसको बता देते हैं कि 2021 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 67.2% वृद्धि की अनुमान लगाई गई है, मतलब अनुमान भी है, सही है। आगे बता रहे हैं कि भारत दुनिया में चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे ज्यादा, ठीक है,
विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में शामिल हो जाएगा चौथा का सही है। और भारत विश्व में दसवां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश होता है। इसमें वन क्षेत्र वाले में भारत विश्व का दसवां हो जाएगा सही है। हाँ ये बताना है कि अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए जिसका उद्देश्य था कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या करना समाप्त करना। तो देखिए कभी कभी प्रोटीन मार्केट नहीं देता है देता है सर बंद मतलब देखिए बंद है लेकिन चलता है बिहार में हर जगह हर जगह क्या बात करते हैं कहने भी लगा यहाँ ज्यादा दिन एक हफ्ता तक रहता है कब जब बगल वालों को फाइन मारता है बगल वालों को फाइन मार देगा ना तो एरिया वाला पूरा एक हफ्ता तक नहीं देगा बोलते बोलेगा कागज लपेटेगा ये आता है कागज वाला अच्छा रहता है पैसा भी लेता है। चलिए आगे बताना कि भारत अमेरिका चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाएगा कौन अपना देश भारत जिसमें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम में बन जाएगा भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पहला कौन है इसमें तो पहला था अमेरिका दूसरा है चीन इसके बाद भारत बन गया सही। 44 भारतीय स्टार्टअप ने यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया है जिससे यूनिकॉर्न स्टार्टअप की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 83 हो गई है कितनी हो गई है 83 हो गई है ठीक है। चलिए बाकी सब अपना से आगे इतना ही था। चलिए चलिए तो नंबर अच्छा रहता है।